नीट एग्जाम में धांधली को लेकर के आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व पे फिलहाल पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई थी, लेकिन इसको जो है तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, लगातार कल भी प्रोटेस्ट चल रहा था। कल लखनऊ विश्वविद्यालय में NSI के जो छात्र विंग कांग्रेस की है उनका प्रोटेस्ट था, और आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्जाम के पेपर को रद्द करके, जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करने की मांग को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं वो मौजूद हैं और कांग्रेस का लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। कल NSI का प्रोटेस्ट चल रहा था, आज भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। आरोप है कि पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के गुजरात कनेक्शन है, बहुत सारे जो पोस्टर हैं वो लेकर के पहुंचे कांग्रेसी नेता। युवाओं का भविष्य कैसे उठू जब हो रहा है पेपर लीक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्लोगन है। आप लोग किस मुद्दों को लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रही है? हम लोग ये जो पेपर लीक हुआ है नीट एग्जाम में उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा पेपर लीक तो अब इस सरकार में आम बात हो गई है। ये जो NTA ने घोटाला किया है, ग्रेस मार्क के नाम पे इतने सारे बच्चों को फर्स्ट पोजीशन दे दी है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि NTA के हर एक अफसर के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच हो और उनको सजा मिले। ग्रेस मार्क तो वापस कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उन जो विद्यार्थी थे जो प्रतिभागी थे भाग लिए थे उनको दोबारा एग्जाम कराने की बात की है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। तो आप किस मुद्दों को लेकर के आप लोग? तो उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई, तो मैं अभी आपसे कुछ चोरी कर लूं और वापस कर दूं तो क्या चोरी खत्म? चोरी तो चोरी है ना, चोरी की जांच तो होनी चाहिए। किस आधार पे ग्रेस मार्क दिए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा था कि ग्रेस मार्क की ये प्रक्रिया इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के लिए नहीं होगी, तभी भी NTA ने इस जजमेंट के खिलाफ जाके ग्रेस मार्क दिया, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और ये ग्रेस मार्किंग के अलावा और कोई मुद्दे हैं जो नीट में जिस तरीके की पेपर लीक की बात आ रही है या फिर जो पेपर था वो कई जगह शिकायतें आ रही थी? नीट में पेपर लीक की तो है ही मेन मांग। नीट का अभी नेट का भी पेपर रद्द कर दिया गया है। ये पेपर लीक सरकार पेपर पे पेपर लीक करी जा रही है, कुछ रोक ही नहीं पा रही है। तो हमारी यही मांग है कि पेपर लीक रोकी जाए और NTA के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। NTA के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है सरकार ने। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब आप लोग किन मुद्दों को लेकर के मांग कर रहे हैं? क्या सरकार के जवाब थे या सरकार ने अब तक जो कमेटी की बात की है, जांच की बात की, उससे संतुष्ट नहीं कांग्रेस? नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं, मक्कारी की है, इन्हीं ने इस देश को पूरा बर्बाद कर दिया। अब आप सोचिए इतना बड़ा मामला सामने आया है। हाँ पहले तो कितने घोटाले किए, सब कुछ किया, चंदा वसूली की, सब किया इन्हीं ने। आज जो पेपर लीक का मामला आया है कोई छोटा मामला नहीं, क्योंकि पूरा देश का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। आप बताइए जो गरीब हैं कैसे कैसे जाके पेपर देते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है ना। तो इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जब तक इनको ये इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जो जो बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड, उनको निकाल देना चाहिए। नीट एग्जाम का क्या होना चाहिए? क्या सरकार ने जो ग्रेस मार्किंग बच्चों जो पास हुए थे वो रद्द कर दिया, दोबारा एग्जाम होगा? क्या आप लोग पेपर लीक के बाद या जो इसमें धांधली हुई उसके बाद पेपर रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, जैसे UGC नेट की भी हुआ था? देखिए बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि ये हुई क्यों चीज, इस पे हमको सोचना चाहिए। क्योंकि आज ये हुआ है, कल क्या होगा, अब तो कुछ बचा नहीं है। इनके कार्यकाल में कौन सी ऐसी चीज नहीं हुई है आप खुद ही देख सकते हैं। तो पेपर लीक का मामला जो भी है उसको देखना चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं फिलहाल कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके साथ ही NTA में जो भी अधिकारी दोषी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के और NXC मोड़ तक लगातार कांग्रेसियों का प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि पुलिस आगे बैरिकेटिंग दो जगह लगाई थी, उसको तोड़कर कांग्रेसी काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो लगातार जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो NTA में धांधली पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग है? सरकार ने तो कल कहा कि कमेटी मैंने गठित कर दिया है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी छात्र के
जो प्रतिभागी जो हिस्सा लिए उनके साथ जो है नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जिस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं और जिस मुश्किलों से सेंटर तक बच्चे पहुंचे हैं उसको आप अगर देख लेते हैं ना, मतलब हजारों बच्चा किसी से लिफ्ट मांग के पहुंच रहा है, कोई दौड़ के पहुंच रहा है, कोई गिर रहा है, कोई चप्पल छूट रही, और उसके बाद भी आधा आधा घंटे बाद तक पेपर सेंटर पर पहुंचे हैं। किस तरह बच्चों ने पेपर दिया उससे उनका मनोबल टूटता है, मनोबल टूटता है तो बच्चे सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। कम से कम इस पे, इस क्षेत्र पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या सरकार कार्रवाई किस मुद्दे पे फोकस करे, कैसे रुकेगा? मेरे ख्याल से तो भैया सेंटर अच्छे से बनाएं, सेंटर सुचारू रूप से चलाएं, बच्चों को जाने की सुविधा वहां तक दें। और इस तरह से पेपर लीक होना किस वजह से हो रहा है, क्या कर रही सरकार मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर लीक होना अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात। अब तक जो सरकार ने जांच की बात की उससे संतुष्ट हैं कि आगे और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? परिदर्शन जांच होगी, क्या होगी जांच, क्या नहीं होगी, बच्चों को उसका फल मिलना चाहिए, पेरेंट्स को उसका फल मिलना चाहिए, पेरेंट्स को संतुष्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो जांच हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधा जब देखे तब जाने। फिलहाल कांग्रेस का एनटीए को लेकर के जो उसमें धांधली हुई है, जो ग्रेस मार्किंग की बात आई है, पेपर लीक की बात, जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश गुजरात कनेक्शन जो जोड़ा जा रहा है उसकी बात हो रही है, लगातार जो पोस्टर है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो पेपर लीक है वो उसमें गुजरात कनेक्शन की बात सामने आ रही है। बकायदा जो है कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, लीक कांड में गुजरात कनेक्शन का जवाब दो, ये मांग है। लगातार गुजरात से लेकर बिहार तक पेपर लीक की कड़ियाँ जोड़ी जा रही है, और अब की बार पेपर लीक सरकार जो बीजेपी का एक स्लोगन हुआ करता था, अब की बार भाजपा सरकार उसी की तर्ज पे अब की बार पेपर लीक सरकार का स्लोगन लेकर के कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस प्रहार रोकने की कोशिश की है, हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की है, जब बैरिकेडिंग दो जगह तोड़ी गई।